आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय की छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डुमरी रामनगर में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण योजना 2021-22 के अंतर्गत महाविद्यालय के 29 छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लक्ष्मण आचार्य, विधान परिषद सदस्य व उपनेता सदन उत्तर प्रदेश उपमंडलायुक्त वीरेंद्र कुमार, मधुकर पांडे, महाविद्यालय के उपप्रबंधक मुकुल पांडे इत्यादि लोगों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात उपप्रबंधक ने मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर व माल्यार्पण कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि लक्ष्मण आचार्य ने महाविद्यालय की बीएससी व बीकॉम तृतीय वर्ष की कुल 29 छात्राओं को स्मार्टफोन अपने कर कमलों द्वारा प्रदान किया। उन्होंने कहा कि छात्राएं देश का भविष्य है व कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें महिलाओं की भागीदारी न हो। विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र कुमार ने छात्राओं को शासन द्वारा प्रदान किए गए स्मार्टफोन के बारे में जानकारियां प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन सुरभि पांडे एवं डॉक्टर रचिता सिंह ने किया। कार्यक्रम में स्वागत गीत एवं भजन गीत की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रोनी वर्मा, डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, डॉक्टर प्रवीण कुमार इत्यादि लोग उपस्थित रहे। हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने चुनाव से पहले ही वादा किया था कि हम बच्चों को स्मार्टफोन, टैबलेट आदि देंगे, और इसलिए देंगे कि वो ठीक से उनके पास पढ़ाई की टेक्नोलॉजी में कोई कमी न रह जाए, इस दृष्टि से कहा था। और योगी सरकार और मोदी सरकार इसके लिए जानी जाती है, जो कहते हैं सो करते हैं, जो कहा था सो किया। आज उसी क्रम में आज बच्चों को यहाँ आपने देखा कि स्मार्टफोन, टैबलेट आदि का वितरण किया जा रहा है। बेटियाँ बढ़ें, बेटियाँ पढ़ें, आगे बढ़ें, हर तरह से ज्ञान विज्ञान आधुनिक शिक्षा सब के बेटियां बढ़ें, बच्चे पढ़ें, देश की युवा बढ़ें। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था ये 65% युवा हमारे देश की पूंजी है, और उस पूंजी को ठीक प्रकार से संवारना संवारना सरकार का उन्होंने किया। निश्चित रूप से हम अभी आपने देखा एक महामारी आई, और महामारी में जब हम सब कॉलेज लोगों का ऑफलाइन सारी व्यवस्थाएँ जब ठप हो गई, तो इसके माध्यम से बच्चों ने पढ़ा लिखा। ऐसे भी बच्चे हैं इतने वर्षों से तमाम प्रकार की कठिनाइयों के कारण वो स्मार्टफोन खरीद नहीं सकते थे, वो शिक्षा से नहीं जुड़ पाए। हमारी मोदी और योगी की सरकार ने इस बात को समझने का काम किया कि हमें ऐसे भी बच्चों तो ऐसे सभी को समान शिक्षा सबको मिल सके, कोई किसी चीज़ के अभाव में उसकी शिक्षा न रुके। इस दृष्टि से सरकार की योजना है कि हमारी बेटियाँ बढ़ें, बेटियाँ पढ़ें, उनके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो सरकार सब कर रही है।